जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। थ्रिलर सीरीज रेस के अपकमिंग चौथे पार्ट की कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, लड़ने के बाद करण सोचता है कि अब वो अकेले ही सब कुछ संभाल सकता है और उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। साथ ही दिन पर दिन वो डॉन के भी और करीब आ रहा था, जिससे उसे ऐसा लगा कि अब उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि उसकी गलती ये थी कि वो सोचता रहा कि वो डॉन के करीब आ रहा है, जबकि असल में डॉन उसे खुद के करीब आने दे रहा था। वो जानता था कि करण नया है, पैसों का भूखा है, और इसीलिए उसने उसे अपने नज़दीक आने दिया। अब एक दिन करण यूं ही घर पर रात के 2:30 बजे सो रहा था कि तभी डॉन उसके पास आकर कहता है, करण। करण उठता नहीं। वो फिर से जाके कहता है, करण उठो, बात करनी है तुमसे कुछ। करण एकदम उठकर कहता है, क्या? डॉन गुस्से में कहता है, उठो, तुमसे बात करनी है। करण कहता है, ओ अच्छा, सॉरी, आप चलिए, मैं आता हूँ। डॉन कहता है, बेसमेंट में इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। करण एकदम हड़बड़ा जाता है कि इतनी रात को क्या हुआ, और वो जल्दबाजी में उल्टा पजामा और एक पैर की ही चप्पल डाल के बेसमेंट में पहुंचता है और कहता है, यस सर। डॉन एकदम से एक पर्दा हटाता है और सामने दीवार पर लटके सारे अवार्ड्स करण को दिखाता है और कहता है, ये देखो, मेरे इतने सालों की मेहनत। मैं बचपन से ही हर चीज़ में फ़र्स्ट आता था, लेकिन फिर बाबा ने बोला कि पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, ख़ानदानी बिजनेस आगे बढ़ाना ज़रूरी है, इसीलिए सब छोड़ के बिजनेस में लग गया। अब बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और वो सिडनी में हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उनकी इच्छा है कि मैं उनसे मिलूं। आज तक उनकी सारी बात मानी है, ये एक आखिरी बात भी माननी ही पड़ेगी ना। लेकिन मैं इस कदर अपना सब कुछ उन गैरों के हाथ में छोड़कर नहीं जाना चाहता, और तुम्हारे अलावा किसी और पर मुझे विश्वास नहीं। तो क्या तुम मेरे ना होते हुए इस शहर में मेरे बिजनेस को मेरे बाबा के लिए संभालोगे? मैं जल्दी आ जाऊंगा। करण, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम चाहे तो तुम्हारी सैलरी भी 25% बढ़ती कर दूंगा, पर कुछ दिन सब संभाल लो। करण एकदम खुश हो जाता है और कहता है, अरे बिल्कुल सर, आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और एक बार फिर करण को ऐसा ही लगता है जैसे उसने ये सब डॉन से जीता है, पर असल में डॉन चाहता यही था कि वो ये सब करण को दे दे। तो दोस्तों, अब कहाँ जाएगा डॉन, और क्या करण पर आने वाली है कोई बड़ी मुसीबत? जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतज़ार। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।